देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पलसाना तालुका में आए कडोदरा विस्तार में मोतीलाल वोसवाल होम लोन बैंक वालों की दादागिरी और मनमानी रकम लोगों से वसूलने की सामने आई है। लोगों का कहना है कि बैंक वाले लोग अपनी मनमानी से लोगों के बैंकों में जो महीने की किश्त के पैसे जमा करते हैं उसको अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं और बिना किसी कस्टमर की अनुमति के साल भी बढ़ा देते हैं। 20 साल के लोन को 30 साल का लोन अपनी मर्जी से कर देते हैं। लोगों के पूछे जाने पर कोई भी जवाब नहीं देता। देखिए नितिन मौर्य के साथ अजय जायसवाल की। आपका नाम? नाम आपका? सर मेरा नाम पटेल। कहाँ रहते हो? हरिधाम सोसाइटी गली नंबर 2 घर नंबर 82। कौन सा विस्तार में पड़ेगा ये? कडोदरा विस्तार में जी। क्या घटना घटी और आप यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी में हम देवरिया जिला के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपके साथ क्या घटना घटी है? सर यहाँ पे घटना घटी क्या, सर मोतीलाल ओसवाल से हमने होम लोन लिया था 2015 में 9,20,000 का। सर उसको हमने 2022 तक रेगुलरली भरा है उसको। सर 8 साल हमने हफ्ता भरा है। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन का सर हमारा 4 हफ्ता बाकी था। ये लोग ने 4 हफ्ता का 12,688 रुपये का 80 हफ्ता बना दिया सर। वो भी हमको कुछ बताया नहीं गया। उसके बाद सर 1,28,000 ब्याज, 1,80,000 ब्याज, 1,90,000 ब्याज, सर ऐसा लोग ने ब्याज लगाया। तो और क्या क्या बात हुई है और क्या क्या बोले बैंक वाले? सर बैंक वाले उसके बाद ये लोग ने हमारा EMI था 11,350 का, उसको ये लोग ने बढ़ाकर 12,688 रुपये का EMI कर दिया है। और जो हम लोग ने 10 लाख रुपये भरा था उसको ये लोग ने ब्याज में काट दिया है। उसके बाद सर ये लोग हम लोग स्टेटमेंट मांगने गए तो स्टेटमेंट का ये लोग 2,500 रुपये मांग रहे थे सर। और हमको जब पता चला कि हमको 2043 तक भरना है सर, हमने वहाँ से हफ्ता भरना बंद कर दिया सर। फिर ये लोग घर पे आके हमको धमकाते हैं, 4-5 आदमी डेली आते हैं। उसके बाद में सर ये लोग कल रविवार के दिन सील मारने के लिए हमको धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, पुलिस के साथ आएंगे, तुम्हारा घर सील कर देंगे। ये जब आप हफ्ता बंद करने से पहले कोई अर्जी वर्जी किए थे? मैंने अर्जी भी किया था वकील के थ्रू, मैंने सर लीगल नोटिस भेजा था सर, उसका वो लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। RTI भी किए थे? उसके बाद सर मैंने RTI भी किया था, इसका भी वो लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सर हम लोग 4 बार समझौता करने के लिए भी गए कि सर कुछ हो तो आप कर दीजिए, हम गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। सर इनके मैनेजर अंकित बारोड़ वो बोलते हैं आपको पूरा 10 लाख रुपया भरना पड़ेगा सर। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होता तो सर मैं इनसे लोन लेता ही नहीं सर। अभी तक कितना भर चुके हैं? अभी तक हम 10 लाख रुपया भर चुके हैं। रविशंकर तिवारी 30,30,000 रुपये मेरे पास से लेके गए थे सर, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं लाए, वो भी पैसा खा गए। माता लोन कितने का करवाया था? 9-20 का लोन करवाया था सर। 9-20 में आप 10 भर चुके हो? भर चुके हैं। और मेरे को पूरी लोग के गिनती के हिसाब से 40 लाख रुपया और मेरे को भरना है सर। सर हमारे पास आत्महत्या करने का कोई रास्ता नहीं है सर, हम हर जगह से हम लोग। और बैंक द्वारा आपको कितना बोला है कि अभी बाकी आपकी रकम? अभी तो हमको बोलते हैं कैश पेमेंट लाओ और 10 लाख रुपये दे दो, लोन खत्म करो। सर हमारे पास 10 लाख रुपया नहीं है। EMI भरने को बोले तो 2043 तक बोलते हैं कि आप EMI भरो। और कौन से साल तक भरना है? 2043 तक। अब 2015 की लोन है। माता जी आप क्या बोलना चाहेंगी? हम लोग गए थे बैंक के पास, हाँ रविशंकर तिवारी के पास जी। वो मैं बोली कि सर कुछ करिए कि हफ्ता चालू करवा दीजिए और हमारा सील ना होने पाए, हम बाद में धीरे धीरे करके जो बकाया है भर देंगे। बोलते हैं नहीं 3 लाख रुपया आप भरो अभी, तब तो रुक सकता है, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे वो भी नहीं रुक सकते, सील तो होगा ही। तो बैंक वाले के द्वारा यहाँ पे कुछ लोग भी आते धमकी उनके देने के लिए? लोग आते हैं धमकी देने के लिए घर के बाहर, उनसे त्रास होकर मेरे पिताजी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। और सर कल के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं, सारा गहना भी को बेच बेच के लॉकडाउन के बाद इनका पैसा भरे हैं। आपने गहना बेच बेच कर चलो इनका कर्जा किसी तरह हम लोग चुकाते हैं, प्लांटी लगा लगा भरे। फिर भी उनका उतना का उतना बैलेंस बना हुआ है, ज्यादा बना है। अभी अब 10 लाख भरने के बाद आउटस्टैंडिंग इनका 9,20,000 लगभग कितने साल से भर रहे हैं हफ्ता आप? 2015 से 2022 तक भरे हैं सर। फिर हमको जब पता चला हमको इतना पैसा भरना है तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमने बंद कर दिया हफ्ता भरना। फिर हम समझौता के लिए गए कि सर 2-4 बार गए सर समझौता कर लीजिए, भाई कुछ हो तो ले दे के, तो सर बोलते हैं तुमको 10 लाख भरना ही पड़ेगा, समझौता कर लीजिए। आगे गुजरात सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि इनके त्रास से आदमी मरने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमारा ब्याज को ब्याज बढ़ाते जाएंगे, घर के बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, बोले पुलिस लेके आएंगे और तुमको घर से बाहर कर देंगे, सामान के साथ सील मार देंगे। कौन सी बैंक के द्वारा इसका नाम साफ साफ बोलिए? नाम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है। पहले एक्सपायर था, बाद में मोतीलाल ओसवाल। ब्रांच मैनेजर कौन है? ब्रांच मैनेजर है अंकित बार, और उनके पास भी 4 बार गए सर, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, बोले 10 लाख रुपया आप कैश लेके आओ तो आपका छुट्टा होगा। और जो 30,000 जो आपसे आदमी ने लिया था तिवारी लेके गए थे
अच्छा सर, हमारे एक लोन पे हम तीनों जन का नाम डाल दिया गया, मेरे बड़े भाई साहब का, मेरे पिताजी का और मेरा। आरटीआई का जवाब आया? आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं आया सर, कुछ भी कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया, ये लोग चुप थे। सर मेरा नाम मुकेश सोनी है। अरे कौन सा विस्तार है? ये कड़ोदरा विस्तार है। मतलब क्या समस्या है आपके? समस्या ये है सर, मैंने यहाँ से मोतीलाल ओसवाल होम लोन से सन 2018 में होम लोन लिया था। कौन से बैंक? मोतीलाल ओसवाल होम लोन। अच्छा, नाम इसका मोतीलाल है लेकिन कारनामे इसके चोर जैसा है। अच्छा, यहाँ से मैंने होम लोन लिया था 9 लाख रुपए का और अब तक मैंने 12 लाख रुपए भर चुका हूँ। अभी भी उन्होंने 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए जैसा निकाला है ओवरड्यू, जो कि मैंने दिवाली के बाद मैंने 55,000 रुपए मैंने भरकर क्लियर कर दिया था, जीरो कर दिया था। उसके बाद 45,000 रुपए अभी और इन लोगों ने ओवरड्यू निकाल दिया। हर महीने क्या करते हैं, ईएमआई पे करने के बाद भी 3,504 रुपए विजिट चार्ज, कॉलिंग चार्ज, कोई बंदा आ रहा है मिलने के लिए उसका चार्ज लगाकर हर महीने 4,000 का इन्होंने ओवरड्यू हर महीने निकाल रखा है। अच्छा, मतलब हफ्ता कितने का आपका? हफ्ता 9,378 रुपए का हफ्ता है, प्लस 4,000 रुपया, 4,000 अलग से लेते ये लोग। अच्छा, तो फिर इनके द्वारा क्या कहा जा रहा अभी आपको? अभी मैं इनको कई बार कंपनी को मैंने मेल किया कि सर देखिए मेरा चार्जेस आप लोगों ने इतना लगा, मैं कंटिन्यू ईएमआई पे कर रहा हूँ, आप मेरा चार्जेस वेव ऑफ करो। बोला वेव ऑफ नहीं होगा। मैं बोला सर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। मैं बोला चलिए सर ठीक है, आप ये नहीं कर सकते तो मेरा ईसीएस जो मेरा 10 तारीख को प्रेजेंट होता है उसको आप 15 तारीख को कर दीजिए। मैंने इनके हेड ऑफिस में कई बार मेल किया लेकिन हेड ऑफिस से ये बोला जाता है आपका ड्यू डेट पे ही किया जाएगा। मैं बोला 10 तारीख को मेरे पास पैसे नहीं आता, मेरे पास 15 तारीख को आता है, आप 15 तारीख को प्रेजेंट करिए, 15 तारीख को मैं आप ईसीएस क्लियर नहीं होता तो आप मुझे बोल सकते। बोला कुछ नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ के जो मैनेजर बैठता है मैं उसको भी बोला, एक असिस्टेंट मैनेजर है जो ऑपरेशन में है जिसका नाम है दिनेश पांचाल, उसको भी कई बार बोला कि भाई मेरा आप चेंज कर दो, डेट चेंज कर दो अगर आपको टाइम टू टाइम पैसा चाहिए तो। वो बोलते हैं कि भाई मैंने कंपनी में कर दिया है, कंपनी करेगी तभी हमको। मैं बोला यार लापरवाह कंपनी है और दूसरा इसका हर महीने कुछ ना कुछ रेट बढ़ाता ही जाएगा, ब्याज वसूलता जाएगा, ब्याज पे ब्याज। जो बंदा अगर यहाँ से लोन ले लिया उसको कभी मुक्ति नहीं मिलने वाला, सिर्फ मरने के बाद ही उसको मुक्ति मिलने वाला है। क्योंकि जितने लोगों ने कड़ोदरा में इन लोगों ने लोन दिया है ना, सारे ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जो परेशान होगा। अगर मैं गलत बोलूं तो जितना इनके पास डेटा है सब एक एक कस्टमर के यहाँ जाकर घर घर विजिट कर ले। और मैंने इसके लिए विरुद्ध में इनके कंपनी में भी डाला और इनके ऑफिस में डाले, इनके यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, निर्मला शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर है, और मैं उन लोगों से आवेदन करना चाहता हूँ कि इस बैंक के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बैंक लोन दे के लोगों को मारने का काम कर रही है। और अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, इन्हीं का रिकवरी दल्ला है जो जिनका 40% कमीशन होता है, उसने फोन किया कि मैं एक घर के पास बैठा हूँ, उनके घर में टीवी है, तुम टीवी परचेस कर लो। वो कस्टमर बोल रहा है 25,000 से 30,000 का मैंने खरीदा है, आप मेरे को 8,000-9,000 दे दो, मेरा ये हफ्ता भर देंगे वो कस्टमर। मैं बोला यार जिसका मजबूरी हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, सबके घर घर जाके एक एक सामान तुम बेच बेच के अपने बैंक का पैसा भरोगे? भाई अगर सभी के साथ ऐसे कर लिया तो ये तो गलत है ना, ये कौन सा इंसाफ है? टीवी जो बेच रहे जो बोला था उसका नाम क्या है? उसका नाम मनीष है और उसका अरमिंदर नाम का एक बंदा है। एक ईएमआई मेरा टूटा था, मेरे को धमकी दिया था कि भाई एक ईएमआई के लिए तुम घर के घर खाली कर। मैं बोला भाई ये कौन सा रूल्स है? आरबीआई बोलती है एक ईएमआई के लिए तुम घर खाली कर, 4, 5, 10, 15 ईएमआई होती है तब तुम जाकर कुछ बोल सकते हो, और बकायदा बोल भी नहीं सकते। मेरे को नोटिस भेजोगे वकील के थ्रू, बैंक के थ्रू, कोई नोटिस नहीं दिया, मेरे को बोला घर खाली करो। मैं बोला भाई एक ईएमआई का मैं कोई घर खाली नहीं करूंगा। फिर उसका मैनेजर बोलता है भाई करना तो पड़ेगा। मैं बोला तेरा बाप का है क्या घर? साला जिंदगी मैंने अपनी बिता दी, मैं आज तक कोई शौक पूरा नहीं किया इन चोरों का हफ्ता भरने के चक्कर में। मैं नॉर्मल पहले भी सिंपल था और आज भी सिंपल ही हो, क्यों पहले मैं होम लोन का पैसा भर दूं? मैं सोचा भाई सन 2018 से भर रहा हूँ, अभी तक मेरा नील हो गया, देख रहा हूँ अभी 7,000 बाकी है, 7 लाख रुपया। और परेशानी आपको दिन ब दिन देते जा रहे हैं, डेली के डेली ये लोग परेशान करते हैं। मैं सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गुजरात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मोतीलाल ओसवाल होम लोन पे 1 करोड़ का कंपनसेशन वसूले और जितने लोगों ने जितना लोन लिया अब तक भर चुका है वो सबका लोन माफ कर दे, नहीं माफ करे तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दे, क्योंकि ये चोर कंपनी है, लोगों को मारने का कंपनी है। जो इसके यहाँ से लोन ले लेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, हमेशा वो लोन भरते भरते ही मर जाएगा। अरे अगर लोन भरते भरते नहीं मरा, जो इनके 54 छाप धंधे हैं 40% के कमीशन में, अरविंद है, रवि है, मनीष है, ये लोग उसको इतना टॉर्चर कर देंगे, मेंटली टॉर्चर कर देंगे, हरासमेंट कर देंगे कि कल अगर वो ऑटोमेटिक जाकर सुसाइड कर ले। बंदा सुसाइड भी कर लिया तो भी उन लोगों को मकान नहीं छोड़ने वाले, फिर भी उसको बेच देंगे। इस पे
एक्शन होना चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए।